नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डी शिक्षा ज्ञान में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मोनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू और डी माउस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी सीपीयू। दूसरा प्रश्न, किस देश का राष्ट्रगान सबसे लंबा है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी ग्रीस, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर है बी ग्रीस। तीसरा प्रश्न आपके सामने, कौन सा जीव जन्म लेके मृत्यु तक सोता नहीं? तो ए नेवला, बी सांप, सी चींटी और डी कंगारू। इसका सही आंसर होगा सी चींटी। चौथा प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ए बुलबुल, बी चेतक, सी बादल और डी हाईग्रीव। इसका सही आंसर है बी चेतक। अगला प्रश्न है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ए कब्ज, बी कैंसर, सी शुगर और डी पथरी। तो इसका सही आंसर होगा ए कब्ज। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले रुपए छापना शुरू किया था? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा बी चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? ए 15, बी 25, सी 30 या डी 50% भाग। तो इसका सही आंसर होगा डी 50% भाग। अगला, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? ए कोयल, बी मोर, सी उल्लू, डी कबूतर। तो इसका सही आंसर होगा ए कोयल। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए गुजरात, बी असम, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आम को, बी लीची को, सी अंगूर को, डी कटहल को। तो इसका सही आंसर होगा बी लीची को। अगला प्रश्न है आपका, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन डी और डी है विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विटामिन डी। 12वां प्रश्न, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? पहला ऑप्शन है कमल का फूल, दूसरा गुलाब का फूल, तीसरा सदाबहार का फूल या चौथा नील कुरंजी का फूल। तो नील कुरंजी का फूल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 13वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? ए आलू, बी गोभी, सी पालक या डी टमाटर। इसका सही आंसर होगा ए आलू। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए शनि को, बी बुध को, सी सूर्य को या डी पृथ्वी को। तो इसका सही आंसर होगा सी सूर्य को। अगला प्रश्न है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? ए ऊंट का, बी गाय का, सी हाथी का या डी बकरी का। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी गाय का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? ऑप्शन ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी व्यास नदी या डी सतलज नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में रंगों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 7 रंग, बी 5 रंग, सी 3 रंग या डी 2 रंग।
तो इसका सही आंसर है ए सात रंग। अगला प्रश्न है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? ए नेपाल, बी चीन, सी फिजी या डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है सी फिजी। 19वां प्रश्न, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मूर्ख होना, बी चतुर होना, सी विनम्र होना या डी कनकट्टा होना। तो इसका सही आंसर है बी चतुर होना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो उसका ऑप्शन है ए नीला, बी लाल, सी केसरिया या डी सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है सी केसरिया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें, ए चमेली, बी गुलाब, सी कमल या डी गुड़ल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस प्रश्न का उत्तर आप दें कमेंट में। धन्यवाद।